अच्छा जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो जैन साहब एकदम बुलिश होकर 2, 3, 4, 5 कॉल दे देंगे, और जब खराब हो रहा हो ना तभी कहीं कहीं का इस्तेमाल करके, कहीं कहीं नीचे आएगा तो हम लेंगे, कहीं कहीं थोड़ा स्टेबल होने देंगे, कहीं कहीं कुछ ना कुछ करके फिर वो वापस पॉजिटिव हो जाते हैं, जी घूम फिर के पॉजिटिव हो जाते हैं जैन साहब की, अच्छी बात है। तो जैन साहब बताइए आज का जेम्स कौन सा चुना है आपने? देखिए, पॉजिटिव तो मूड रहना ही चाहिए अनिल जी, और एज अ पर्सनालिटी आल्सो पॉजिटिव रहना चाहिए। एक्शन भले ही थोड़े थोड़े स्लो कर ले जब मार्केट खराब है, बट फिर भी लॉन्गर रन में तो देखिए सबको पता कि मार्केट को तो ऊपर जाना ही है, इंसान को और मार्केट को ऊपर जाना है, कोटेड बाय मिस्टर अनिल सिंह जी, तो इसीलिए हम एकदम उसके साथ रहते हैं। तो सर आज भी एक अच्छा स्ट्रोक घूम के लाया आपने मैं। आपने लाइन आधी बोली कि इंसानों या निफ्टी जाना ऊपर है, लेकिन दूसरी लाइन जो ज्यादा काम की है, आपको ये करना है कि निफ्टी ऊपर जाए उससे पहले आप ऊपर न जाएं, ये आपके हाथ में। अपनी हेल्थ को अच्छे से रखिए, अपनी हेल्थ अपने हाथ में रखें, तो पहले निफ्टी को ऊपर जाने दें, तब नहीं काम नहीं हो नहीं जाएगा बस। थैंक यू, आप लोग सबकी शुभकामनाएं हैं सर, एंड दुआएं हैं, होगा नहीं सर ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। एंड देखिए, आज मैं एक स्टॉक लाया हूं, हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड, एक बहुत पुरानी कंपनी है, 1958 से कार्यरत है, और मिस्टर आरपी नेवटिया चेयरमैन है, मिस्टर रामकृष्ण बजाज, मिस्टर नवल फिरोदिया, तो ऐसा एलीट बोर्ड है। जब वो कंस्टिट्यूट हुआ था उस टाइम की मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 1958-59 में, तो ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी कंपनी है, और बेसिकली ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करती है लोग पावर सेमीकंडक्टर्स की और पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, और साथ में रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स की भी। तो मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है कि एक तो बहुत पुरानी कंपनी है, एक अच्छी पेडिग्री की कंपनी है, दूसरा डेट्स, मैं ये बोलूंगा कि डेट्स है तो साथ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी है, और दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है, 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। स्टॉक का पी मल्टीपल देखें तो करीब 29-30 के पी मल्टीपल पे चल रहा है ये, और 263 करोड़ की सिर्फ कंपनी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 21% है, फेस वैल्यू 2 रुपए की है इसकी सर्टनली। और जो सबसे बढ़िया बात है, प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की, अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो वो 5 साल की 48% के लगभग की प्रॉफिट की कैगर रही है, सेल्स की ग्रोथ 3 साल की करीब 39% के लगभग। तो ये सब फंडामेंटल्स देखता हूं तो मुझे बहुत मजबूती लगती है, और उससे भी इंपॉर्टेंटली है कि सितंबर का क्वार्टर बढ़िया था, और आगे आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि ये और अच्छा ही करेगा, डीआईएस की छोटी मोटी स्टेक है। सो ओवरऑल एक पुरानी कंपनी, एक अच्छी ग्रोथ देने वाली कंपनी जो कि पिछले 3, 4, 5 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, मुझे लगता है कि हिंद रेक्टिफायर्स इन लेवल्स पे ले आराम से, और 190 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 190 तक के टारगेट्स के लिए हिंद रेक्टिफायर्स को खरीदना है, ये आ रही है आपके लिए।